हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका, नमस्ते। साथ में है छोटू पप भी आज। सो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। क्यों, आपको बताती हूँ। अभी नायका पे सेल आ रही है 23rd से 27th जुलाई, और ये पिंक वाली सेल होने वाली है जो लास्ट ईयर मैंने किया था। इसका हॉल पिंक बॉक्स का, मुझे पिंक बॉक्स भी आया था लास्ट ईयर नायका से, बट इस बार हमारे पास पिंक बॉक्स नहीं है। बट मेरे पास है ढेर सारी रिकमेंडेशन, एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको बता रही हूँ कि इस वाला जो सेल है ना नायका का, इससे बड़ा सेल पूरे नायका का पूरे ईयर में नहीं होता। इसमें जो डिस्काउंट्स मिलते हैं ये पूरे साल में नहीं मिलते। लास्ट ईयर आई रिमेंबर 5,500 वाला WT पैलेट 3,000 का मिल रहा था, एंड अमेजिंग डिस्काउंट्स आते हैं इस टाइम पे इस वाली सेल में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आप सेल से कैसे शॉपिंग कर सकते हो। बट वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप 10 फेवरेट मॉइस्चराइजर्स। मेरे स्किन केयर रूटीन में वो 10 कौन से मॉइस्चराइजर्स हैं जिनको सबसे पहले मैं चूज़ करती हूँ और सबसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। मैं हर मॉइस्चराइजर के साथ ये भी बताऊँगी कि वो कौन से स्किन टाइप के लिए अच्छा है और किसको उसको खरीदना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। गाइज बाय द वे, ये ऐसे तंग करता रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट गेट एंग्री। सो गाइज बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें मेरे चैनल को। तो फर्स्ट मॉइस्चराइजर आई हैव इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर्स, और ये नायका पे मिलता है। बाय द वे, नायका में मैं सारा लिंक्स जो है नीचे डाल दूंगी। सेल स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ आप ऐड टू कार्ट करके रख लेना। जब सेल स्टार्ट हो तो डिसाइड कर लेना कि क्या रखना है, किस पे ज़्यादा डिस्काउंट है, किस पे नहीं है, उस हिसाब से यू कैन चूज़। बट अगर आप सेल स्टार्ट होने के बाद ढूंढना स्टार्ट करते हो तो बहुत दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, क्योंकि सेल जब स्टार्ट होती है जो पहला दिन होता है उस दिन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने हमेशा देखा है कि जो पहला दिन होता है उस दिन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होते हैं। फिर सेकंड दिन जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं उनका प्राइस अप हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सेल स्टार्ट होते ही पहले दिन ही खरीदे जो खरीदना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। अरे यार करने दो ना वीडियो, हटो। The first product we have is the Sukin moisturizer, facial moisturizer. ये ब्रांड है सुकिन। बाय द वे गाइस, सुकिन एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 850 का ये आता है ये मॉइस्चराइज़र। इसमें कोई केमिकल, कोई फ्रेग्रेंस, कुछ भी नहीं है। कोई भी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकती है। बहुत लाइट मॉइस्चराइज़र है, नॉर्मल, ड्राई, हर तरह की स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई फ्रेग्रेंस, कोई केमिकल्स नहीं है। सेल में आपको 400-500 के बीच मिल जाएगा। बहुत बड़ा बॉटल है, आराम से 6 months लास्ट करता है। तो ये ज़रूर ट्राई करना। दिस इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड रिकमेंडेशन विच इज़ सुपर डुपर affordable is the Pond's super light gel oil free moisturizer, non sticky glowing skin, hyaluronic acid, vitamin E moisturizer। इसकी MRP इस वाले पैक की 149 है। इससे डबल जो साइज होता है उसकी 299 होती है। अगर ये 149 का आता है तो सेल में सोचो कितना सस्ता मिलेगा। प्लस ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए तो बेस्ट है। ड्राई स्किन को इस वेदर में सूट करेगा, लेकिन विंटर्स में आपको थोड़ा मोटा मॉइस्चराइजर चाहिए होगा। सो इफ यू प्लानिंग यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। वेरी लाइट टेक्सचर, वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर्स। मूविंग ऑन टू द थर्ड मॉइस्चराइजर जो मैं बोलूँगी मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है इनमें से ऑलमोस्ट, इज द एमकैफिन ग्रीन टी नेकेड डिटॉक्स रेंज मॉइस्चराइज़र। ये मेरा सेकंड बॉटल है इस रेंज से। आई रियली लव दिस मॉइस्चराइज़र। एमकैफिन का जो ये वाला मॉइस्चराइज़र, इसकी MRP होती है 575। सेल में आपको ये 300-400 के आसपास मेरा मानना है मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन C भी है। कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, और आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स इस तरह की है, यू कैन यूज़ दिस एंड यू विल गेट फ्लॉलेस स्किन। आई कैन गारंटी यू ऑन दैट। मुझे बहुत पसंद है पूरा ग्रीन टी रेंज, इसका फेस वॉश, इसका सेरम। आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप ज़रूर ट्राई करो। दिस इज़ अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, गुड फॉर स्किन टाइप्स। मूविंग ऑन टू द फोर्थ मॉइस्चराइजर वी हैव इज फॉर पीपल जिनका थोड़ा एजिंग स्किन है। दिस इज फ्रॉम काया, वाइट ल्यूमिनस ब्राइटनिंग नाइट क्रीम, विजिबल रिजल्ट्स इन 7 days विद एजिल ऑयल, ग्लाइसिन, विटामिन C फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसकी थोड़ी प्राइस हाई है, 50 ml का प्राइस आई थिंक 1400-1300 के आसपास है। ओके, 950 रुपीज़ है। तो आपको ये आराम से 500-600 के आसपास मिल जाना चाहिए। एज पर मी, ऑल स्किन टाइप पीपल कैन यूज इट। इट्स क्वाइट थिक, सो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स अ ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। व्हाट आई सॉ, इसको यूज़ करने के बाद स्किन का टेक्सचर बहुत इंप्रूव हो जाता है, स्किन बहुत फ्लॉलेस लगती है, और फाइन लाइंस भी कम होने लगती है इवेंचुअली। सो अगर आप एजिंग के लिए कुछ देखना चाहते हो, वो हाईली सजेस्ट कि आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। इट हैज़ विटामिन C एज वेल। इट हैज़ अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स। आई हाईली रिकमेंडेड। सब कुछ नीचे लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी वीडियो देख के कार्ट में ऐड कर देना। नाउ इफ़ यू फ्रॉम ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप और आपको अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस वाओ एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, नो पैराबेन नो सिलिकॉन। आपको पता है वाओ के प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। 100 ml की MRP है ₹349। अगेन सुपर डुपर अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर, क्वाइट नाइस। एप्पल साइडर की इसमें फ्रेग्रेंस है, वेरी गुड फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन को बहुत हेल्दी, प्लम्प, नेचुरल, यू नो, ग्लोइंग रखेगा। सो अगेन इट्स अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर। If you want to try it, you can. Moving on to the next moisturizer we have is a very good moisturizer again from the affordable category. Blossom Kochhar का Aroma Magic Vitamin C Skin Lightening Gel SPF 30 100 ग्राम्स का प्राइस है ₹350। इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैंने किया था और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। तो आई वुड सजेस्ट गाइज, अगर आप लेना चाहते हो आप ये मॉइस्चराइजर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत लाइट वेट है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी इस सीजन में नॉर्मल ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और इससे स्किन ब्राइटन अप होती है क्योंकि इसमें विटामिन सी है और ये बहुत ही अच्छा है। लाइटनिंग वाइटनिंग का आई डोंट बिलीव, बट ब्राइटन अप आपकी स्किन 100% होगी। बहुत प्यारी सी हल्की सी फ्रेग्रेंस है एंड इट वुड सूट ऑल स्किन टाइप्स, बट इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। Next up, I have a moisturizer which is the Palmer Coconut Water Facial Moisturizer. Again, a very lightweight moisturizer. Coconut water, इसमें coconut oil नहीं है guys, तो आपकी skin को clog नहीं करेगा बिल्कुल भी, आपके pores को। It's a very nice moisturizer. I would highly recommend you guys कि आप try करो। Palmer's का coconut scrub भी बहुत अच्छा और ये तो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको काफ़ी use किया है। जिसको फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है ना कोकोनट की, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये लाइट जेल लाइक फॉर्मूला है, बट पूरे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप ये लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसकी MRP आई थिंक 500-600 के बीच में है और ये 50 ग्राम प्रोडक्ट है। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट और आपकी स्किन को बहुत प्लम्प और सपल लुक देता है। Moving on to the next product we have is the Plum Green Tea Renewed Clarity Night Gel. This is good for oily to combination skin type people. अगर आपको एक्ने वगैरह आता है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्ने से रिकवर करने में हेल्प करेगा। एंड अगेन इट्स 100% वीगन, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई इट। प्लम बिल्कुल क्रूल्टी फ्री है, 100% वीगन है, अमेजिंग ब्रांड है। इट्स अ वेरी नाइस, यू नो, मॉइस्चराइजर, नाइट मॉइस्चराइजर फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। एक्ने आने से ये रोकता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई हैव अ सुपर डुपर ऑयली स्किन। Moving on to the next product we have is the Chia Seed Moisturizer from Face Shop. इसका full size वाला बहुत expensive है, 2500, बट मैंने mini travel kit खरीदा था 600 में, जिसमें कि toner भी था 30 ml, 10 ml Chia Seed Moisturizer था और 10 ml इसका हाइड्रो लोशन था। तो ये मैंने छोटा वाला लिया बट मैंने यूज़ करके देखा, इट्स अमेजिंग गाइज। अगर आप बड़ा वाला ले सकते हो तो लेना। सेल में आई एम एक्सपेक्टिंग 1500 से 1600 इसकी प्राइस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कम हो सकती है, दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप उतना हाई जाना चाहते हो यू कैन बाई इट, बट आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैंने नोटिस किया। इट्स अ वेरी नाइस मॉइस्चराइज़र। मेरा जो 10th फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो पर्पल से है, वो नायका से नहीं है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका रैंक 10 नहीं है, रैंक में तो ये दूसरे तीसरे पे आ जाएगा। इट्स अ गुड वाइब रोज हिप रेडियंट ग्लो सेरम, 30 ml का प्राइस है ₹399। इट्स अ वेरी नाइस सेरम फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ड्राई टू नॉर्मल कॉम्बिनेशन। ऑयली के लिए थोड़ा हैवी है तो रात में ही यूज़ करना। मैं ऑयली स्किन वाली हूँ बट आई यूज़ इट एंड इट गिव्स मी अ वेरी नाइस ग्लोइंग फिनिश। ग्लोइंग स्किन लगती है, सपल हेल्दी स्किन लगती है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। या आपको purple.com में मिलेगा। पर्पल पे भी क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं, यू कैन चेक देम आउट। इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर सेरम। यार मैं बोलूंगी सेरम है बट इतना थिक है कि आपको मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से कर देगा। तो यू वुड नॉट नीड एनीथिंग आफ्टर दिस, एटलीस्ट फॉर नॉर्मल टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। बट अगर आप ड्राई नॉर्मल स्किन से है सो यू कैन गो हैड एंड अप्लाई अ मॉइस्चराइजर ऑन टॉप ऑफ इट। सो या दोज वर माई क्विक 10 रिकमेंडेशंस फॉर द नायका सेल। मैं कोशिश करूँगी नायका सेल से पहले मेकअप के भी रिकमेंडेशंस का एक वीडियो बना दूँ फटाफट। सो आप लोग ज़रूर गो हैड एंड ट्राई करना। मैंने फेस वॉश और कुछ स्क्रब्स का भी सोच रखा है, सो आई विल जस्ट पोस्ट एवरीथिंग। सारे लिंक्स नीचे है, ऐड कर लेना कार्ट में जाके। Yeah, that's it. I will see you in my next one. Do subscribe to my channel, guys. Press the bell icon if you like this video and like कर देना, bell icon press कर देना ताकि हर वीडियो की notification आप तक पहुँचे। ध्यान रखना, खुश रहना। मैं आप सबने अगले वीडियो में मिलती हूँ। Till then, take care. Bye.